जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय बाजार नियामक सेबी ने अडानी ग्रुप के साथ हुई 3 कंपनियों की डील की जांच शुरू कर दी है। इन कंपनियों का सीधा संबंध गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से बताया जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय बाजार नियामक अडानी ग्रुप के साथ हुई 3 कंपनियों की डील की जांच कर रहा है जिसका संबंध गौतम अडानी के भाई से है। सेबी ने इन संस्थाओं के साथ लेन देन में नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3 संस्थानों ने पिछले 13 सालों में अरबपति गौतम अडानी का पोर्ट टू पार ग्रुप की गैर लिस्टेड यूनिट्स के साथ कथित तौर पर कई ट्रांजेक्शन किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने अपने जांच में ये एंगल रखते हुए कहा कि विनोद अडानी या तो एक लाभकारी मालिक हैं या उन 3 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। हालांकि अभी सेबी के ईमेल की जानकारी अडानी ग्रुप की ओर से नहीं दी गई है। सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप की जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। वहीं अडानी ग्रुप की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया कि विनोद अडानी सिर्फ अडानी ग्रुप के प्रमोटर हैं। खबर यह है कि सेबी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई कंपनी अपने ही किसी कंपनी के साथ लेन देन करती है तो इसे इस नियम का उल्लंघन माना जाता है। विनोद अडानी के भाई गौतम अडानी से जुड़ी जिन 3 कंपनियों की बात हो रही है वो मॉरिशस स्थित क्रुनाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और दुबई में इलेक्ट्रोजन इंफ्रा है। पहले भी इन कंपनियों को लेकर विनोद अडानी पर सवाल उठे थे लेकिन अब की बार का मामला थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने इनकी जांच शुरू कर दी है। इस साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने समूह को जोरदार झटका दिया। वित्त वर्ष 2022-23 में अडानी समूह के शेयरों में 40% की गिरावट आई है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन का ज्वाइंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 29 मार्च 2023 को 7,55,670 करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा 31 मार्च 2022 तक के 12,53,068 करोड़ रुपए से 40% से कम रहा। कहने का मतलब यहाँ अडानी को 40% का बड़ा झटका लगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।